आरसीबी ने अपने गेंदबाजों के दम पर राजस्थान को घर में ही हरा दिया, वो भी शर्मनाक तरीके से। बेंगलोर और राजस्थान के बीच खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की तरफ से कोहली और डुप्लेसिस आए। कोहली 18 रन ही बना पाए, लेकिन एक बार फिर डुप्लेसिस और मैक्सवेल की जोड़ी ने धूम मचा कर रख दी, जहां मैक्सवेल ने मात्र 33 गेंद पर ही 54 रन बना डाले और डुप्लेसिस 55 रन बनाए। और अंत में जाते जाते अनुज रावत ने मात्र 11 गेंद पर 29 रन ठोक डाले और आरसीबी को 171 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन सामने जब राजस्थान जैसी खतरनाक टीम हो तो ये भी कम लगता है, क्योंकि राजस्थान 200 के ऊपर भी चेस कर सकती है, क्योंकि उसके पास ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी लाइनअप है। राजस्थान के पास इनफॉर्म बल्लेबाज शतकवीर जायसवाल हैं, तो जोस बटलर जो किसी भी गेंदबाजी की धजिया उड़ा सकते हैं, और खुद कप्तान सैमसंग ही तो कम नहीं, इसलिए इसे कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन ओपनिंग करने उतरे जायसवाल और बटलर, और सिराज ने जायसवाल को खाता भी नहीं खोलने दिया और चलता कर दिया। और अगले ओवर में पार्नेल ने बटलर को खाता नहीं खोलने दिया और उसी ओवर में संजू सैमसंग को भी आउट कर दिया, जहां से राजस्थान उबर ही नहीं पाई और देवदत्त पाडिकल मात्र 4 रन बना पाए और जो रूट मात्र 10 रन बना पाए। सिमरन हेटमायर ने जरूर 35 रन बनाए, लेकिन ये काफ़ी नहीं थे और 11 ओवर तक पहुंचते बल्लेबाजों से सजी राजस्थान की टीम मात्र 59 रन तक आउट हो गई। इस जीत से आरसीबी ने अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद को जिंदा रखा और राजस्थान पर बाहर होने का खतरा मंडराने लगा। तो दोस्तों, कोहली और डुप्लेसी की ये कप्तानी जोड़ी आपको कितनी पसंद आई है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी मिलती रहे।